Yo, what's up guys, Jordan Gamer here, मेरा नाम है माइकल एंड वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो ऑफ GTA 5। तो गाइज बहुत दिनों बाद हम लोग ये वॉइस ओवर आप लोगों को वीडियो देखने को मिल रहा है। फिलहाल अभी जिमी का कॉल आ रहा है, तो ओके गाइज जिमी से मेरी बात हो चुकी है। जो मैं वीडियोज़ डालता नहीं था उसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले जो आप लोग आज देखने हैं उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। माइकल हो चुका है बिल्कुल रेडी, ठीक है, आप लोग देख पा रहे हो उसने ड्रेस पहन लिया बहुत ही अच्छे तरीके से। तो अभी जिमी का कॉल आया गाइस, जिमी है माइकल का बेटा, आप लोगों को पता होगा। तो जिमी डिसेंटा का कॉल आया है कि डैड जो गार्डनर है उसने आपके पिटबुल जो थे, यानी कि जो पिटबुल डॉग्स थे, वो फार्मर को सेंड कर दिए हैं, जो कि दोस्तों वो पागल टाइप हो गए थे। आप लोगों को पता होगा जो हमारे पिटबुल डॉग्स थे थोड़े बहुत पागल टाइप हो गए थे और फार्मर को हमको वापस करने थे। तो जब तक मैंने बोला था भाई उसे छोड़ना नहीं, तो वो छोड़ चुके थे। और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो जो अमांडा है वो सब मेकअप करके बैठ तो चुकी है, लेकिन गाइस ये काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी हमारे पिटबुल से। तो मैं पिटबुल को छोड़ने वाला था फार्मर के पास, तो गाइस इसको पहले छोड़ दिया था, मतलब जो गार्डनर था उसने गाइस हमारे पिटबुल जानबूझ के छोड़ दिए, जिसके कारण से जिमी को लेके जाना पड़ा फार्मर के पास और अब पिटबुल ने जिमी के ऊपर अटैक कर दिया है। तो जिसके कारण से यहाँ पर माइकल को काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो गई, आप लोग खुद ही देख पा रहे हो, ठीक है, जिसके कारण से वगैरह ड्रिंक वगैरह ले रहा है, स्मोक वगैरह, जो भी आप लोग समझते हो कि टेंशन फ्री होने के लिए होता है, हालांकि ऐसा कुछ होता है नहीं। अब जिसको लगता है जो एडिक्टेड है वो तो करता ही करता है। तो जैसे कि बेचारा हमारा माइकल है यहाँ पर एडिक्टेड हो चुका है, तो गाइस अब उसे काफ़ी ज़्यादा टेंशन है कि अभी जल्दी से उसे जिमी को बचाना है। उसके लिए उसने लेस्टर को कॉल कर दिया है, उसके पास एक रॉटविलर डॉग है, आप लोगों को पता होना चाहिए, उसके पास एक रॉटविलर डॉग है जिसके कारण से वो मतलब अपनी लोनलीनेस जो है वो डॉग के साथ मतलब एक तरह से उसका डॉग केयर भी करता है काफ़ी अच्छी, ठीक है। तो उसने एक डॉग को रख लिया था और बहुत छोटे से पाला था गाइस, तो वो अभी सबसे पहले एक गार्डनर को सबक सिखाना चाहिए। वैसे भी गाइस ये ढंग का काम करता है नहीं और बहुत कम कम जगह में आता है, तो अभी जल्दी से अंदर जाता हूँ और यहाँ पर इसको जो है बॉम्ब ब्लास्ट करके उड़ा देता हूँ। ये ऐसी की तैसी काम करने में कभी ज़िंदगी में आता नहीं है। और गाइस अभी आप लोग देख ही पा रहे हो यहाँ पर कि ये भी अभी भी नौटंकी कर रहा है, जबकि मशीन से कोई घास वाला काम ही नहीं है, मशीन बेफालतू में ऑन कर रहा है दिखाने के लिए कि भाई हाँ सर मैं काम करता हूँ। तो इसका तो भाई हमने पर्दा साफ यहाँ से कर दिया है, इसको अब दोस्तों एम्बुलेंस वगैरह ले जाएगी, लेकिन गाइस इसके कारण से मेरे पीछे पुलिस पड़ चुकी है, तो पुलिस को मुझे हटाना पड़ेगा। उसके लिए दोस्तों मेरे को सबसे पहले बढ़िया एक जो है मेट्रो स्टेशन पर कार, मैंने बोला था फ्रैंकलिन को कि भाई मेट्रो स्टेशन पर कार है एक, उसको ज़रूर से मेरे को ले के दे देना। तो गाइस वो क्रोम कलर की कार है जिसका नाम मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जेट्रोनो है। तो जेट्रोनो दोस्तों एक सुपर लग्जरी कार है GTA 5 की, तो गाइस हम सोच रहे थे वही वाली कार को लेके चलते हैं। तो अभी दोस्तों इसी के ही दो मेट्रो स्टेशन है जो अंडरग्राउंड है, यहाँ पर दोस्तों मेट्रो स्टेशन वगैरह बना हुआ है। अभी माइकल दोस्तों जो है अंदर जा रहा है, लेकिन गाइस पुलिस पीछे पड़ चुकी है, तो नीचे से पुलिस भी हमारे पास आ रही है। तो पुलिस को हमारे कोई डर नहीं है भाई, मैं तो चाहता हूँ कि भाई कोई भी ना मिले, सीधा मार देता हूँ मैं तो। ये देखो गाइस इसको मैंने मार दिया है, मारने के बाद ये क्रोम कलर की जेट्रोनो फ्रैंकलिन मेरे लिए लेके आया हुआ था। तो अभी जल्दी से इस पर मैं बैठ जाता हूँ और बाहर निकल जाता हूँ। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो यहाँ से मैंने इसको चढ़ा के कोशिश कर, बाहर हम लोग आ चुके हैं, पुलिस हम लोगों को पीछे से मारे जा रही है। और जैसी गाइस मैंने वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर की डेथ मतलब मार दिया, मैंने उसे गन शॉट कर दिया। वैसे दोस्तों हमारे जो स्टार्स हैं वो बढ़ चुके हैं, अब 3 स्टार के साथ साथ दोस्तों मैं जिमी के पास नहीं जा सकता। अब दोस्तों बीच में जो डिस्टेंस है, मतलब आप लोग समझ सकते हो जहाँ से जिमी का जो डिस्टेंस है जहाँ पे फार्मर रहता है वो काफ़ी ज़्यादा दूर है, तो गाइस उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अभी ये तीनों के तीनों स्टार्स को जो है छुड़ाना पड़ेगा। तो गाइस मुझे कैसे ना कैसे करके, अब एक स्कीम मेरे को याद आ रही है, हम क्या कर सकते हैं गाइस, ये वाली कार से जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो सब जगह पुलिस ऑफिसर्स पुलिस स्टेशन पर ये खबर फैल चुकी है कि जेट्रोम ने जो विक्टिम है वो प्रोटैगनिस्ट है जो वहीं पर बैठा हुआ है वही कार को राइड कर रहा है। तो कहीं मैं इस वाली कार को पार्क कर देता हूँ अगर, तो गाइस जो है इसी कार के लिए वो इस कार को ले जाएंगे और गाइस पुलिस मेरे पीछे से हट सकती है और वहाँ से उतर के मैं किसी दूसरी कार में जल्दी से बैठ जाऊँगा, तो जिसके कारण से गाइस हम लोग क्या क्या होगा, पुलिस हम लोग की हट जाएगी। और गाइस जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो ये कार पूरी की पूरी बुलेट प्रूफ है, जिसके कारण से जो पुलिस मेरे पीछे पड़ी हुई है वो दोस्तों किसी काम की नहीं है, मतलब गाइस मैं जब चाहता हूँ वहाँ जाऊँ जैसे जा सकता हूँ। लेकिन गाइस अब बेटे का सवाल है, जिमी जो है हमारा बेटा है, तो गाइस हम लोग ऐसा नहीं कर सकते कि जो कैसे ना कैसे करके पुलिस के साथ हम लोग वहाँ पर जाएंगे, तो वो ऑलरेडी इंजर्ड है और पिटबुल और वर्सेस रॉटविलर भी आप लोगों को देखना ही पड़ेगा।
जो लेस्टर का डॉग है वो भी देखने पड़ेगा। तो दो पिटबुल हैं गाइस, दोनों के दोनों पागल हो चुके हैं। एक वाइट कलर का डोजो अर्जेंटिनो था मेरे ख्याल से, तो ये एक सही जगह है। यहाँ पर उतरता हूँ और डायरेक्ट दोस्तों जो है कूद जाता हूँ इस वाले पुल से नीचे। जो भी यहाँ पे कार आ रही है कोई भी सबूत नहीं छोड़ूंगा, जो भी नियरेस्ट मेरे कार रहेगी उससे दोस्तों मैं उसको ब्लास्ट कर दिया। मैंने एक और आ रही इसको भी ब्लास्ट कर दी दोनों कार को। वैसे लड़ने को दोस्तों माइकल बहुत अच्छे तरीके से लड़ सकता है इन सारों पुलिस वालों से। ये देखो वो भयंकर, ये जंप काफ़ी ज़्यादा बेकार थी, मर भी सकता था इसमें ये, लेकिन मरा नहीं, बहुत ज़्यादा मजबूत है भाई। तो यहाँ पर एक पुलिस वाले आ रहे हैं, तो इनको दोस्तों मैंने जो है इनको गाड़ी ले लेता हूँ इनकी, ताकि दोस्तों पुलिस हट जाए। अब दोस्तों ये गंजे जो हैं ये बता देंगे दोनों कि भाई इस वाली पुलिस गाड़ी में प्रोटैगनिस्ट बैठ चुका है, तो इनको भी मैं ख़त्म कर देता हूँ। सबसे पहले गाइस मैंने इसको ब्लास्ट कर दिया और दूसरा इसको भी ब्लास्ट कर दिया। और जैसे ही ब्लास्ट करके दोस्तों मैं ये वाली कार को लेके जा रहा था, पुलिस हट चुकी है, यानी कि जो प्लान है अपना कामयाब हो चुका है। आप लोग देख पा रहे हो ऊपर से जितने भी स्टार्स हैं वो हट चुके हैं। तो गाइस अब मेरे को ये वाली कार लेके एकदम मैं शांति से जा सकता हूँ। हालांकि मैं सोच रहा था यहाँ पर पहले कॉल कर लेता हूँ लेस्टर को कि जल्दी से जल्दी अपने वो प्राइवेट जेट या प्राइवेट हेलीकॉप्टर से जाकर डायरेक्ट फार्मर की लोकेशन पे मुझे मिले। तो ये रहा गाइस लेस्टर को जल्दी से मैं अभी यहाँ पर कॉल कर देता हूँ। तो कि गाइस मेरी जो है लेस्टर से बात हो चुकी है और हम लोग अब सीधा बहुत ही तेज़ी में स्पीड्स में, आप लोग देख पा रहे हो जो कार की स्पीड है वो कितनी ज़्यादा तेज़ चल रही है। हालांकि दोस्तों अभी मैंने स्पीडोमीटर ऑन नहीं किया है, तो अगली बार से मैं स्पीडोमीटर ऑन कर दूंगा। और मैं दोस्तों अब से रोज वॉइस ओवर वाली वीडियोस जो भी आप लोग सो देखते हो वॉइस वाली वीडियोस, वो सारी की सारी वीडियोस मैं आप लोगों को ला के दिखाऊंगा। यहाँ पर जितना भी मैं दोस्तों यहाँ पर गेम प्ले करता हूँ उसमें वॉइस नहीं रहती थी अभी तक, तो वॉइस आएगी दोस्तों। वॉइस का भी मैंने दोस्तों जो इंतज़ाम कर लिया है, अब यहाँ पर मैं रोज़ आपके लिए वीडियोज़ अपलोड करता रहूँगा। नेक्स्ट यहाँ पर जैसे ही मैं यहाँ पर आता हूँ तो यहाँ पर जो है मैंने पुलिस कार को ठिकाने पर लगा दिया है। और यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख पा रहे हो कि वो रहा लेस्टर, लेस्टर के साथ साथ अपना रॉटविलर भी है, और वो रहे गाइस दोनों डॉग जो कि दोस्तों पागल से टाइप हो चुके हैं। और मैं दोस्तों एज अ डॉग लवर इन लोगों को शॉट डेड नहीं करना चाहता, ठीक है। हमारे दोस्तों इन्होंने काटा है, मार तो नहीं दिया, लेकिन गाइस सुपिंज में इंजेक्शन लगने पड़ेंगे। जिमी को आप लोग देख पा रहे हो कैसे उसके ऊपर चढ़े हुए हैं दोनों, और पिटबुल भी पिटबुल साइज़ के हैं गाइस, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं और बहुत ही ज़्यादा, मतलब आप लोग देख ही पा रहे हो। यार हमारा रॉटविलर, तो गाइस मैंने इसको इंडिकेशन दे दिया है कि लड़ाई शुरू करो। तो जैसे गाइस वहाँ पर ये दोनों आ चुके हैं, आप लोग खुद ही देख पा रहे हो, दोनों दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं कि रॉटविलर आ चुका है या इन्हें स्मेल आ जाती है दोस्तों। और मैंने भी यहाँ पर गन एम करने की कोशिश करी कि मैंने शॉट मार दूँ, लेकिन गाइस एज अ डॉग लवर हम लोग दोस्तों पेट्स को नहीं मार सकते, बेचारे ये बेजुबान रहते हैं, इनकी भी कोई प्रॉब्लम रही होगी। लेकिन गाइस हमारा जो जिमी है वो बहुत भयंकर, तीनों गाइस तीनों नहीं, अभी चार रॉटविलर तो चलो उन्हें मारने ही आ रहा है, लेकिन आप लोग ये क्या देखने को मुझे मिल ही रहा है गाइस, आप लोग खुद ही देख पा रहे हो इन दोनों ने मिलके रॉटविलर को रगड़ दिया है काफ़ी अच्छी तरीके से। और गाइस ये दोनों काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी है रॉटविलर के ऊपर, अब रॉटविलर तो दोस्तों रगड़ा जाएगा, आप लोग खुद ही देख पा रहे हो कि दोनों पिटबुल जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं और एक रॉटविलर पर भारी पड़ रहे हैं, ठीक है। और जैसे गाइस मैंने हेल्प करने की कोशिश करी तो एक ने टेक ओवर किया और एक मेरे पीछे पड़ गया। गाइस काफ़ी अच्छी स्कीम ये लगाते हैं, पता नहीं क्या इनके पास दिमाग इतना है। तो मैं अभी गोल गोल रानी गिद्दा गिद्दा पानी जो भी गेम छोटे में खेलते थे वो मैं अब खेलना शुरू कर चुका हूँ यहाँ पर, क्योंकि मेरे पीछे पड़ चुके हैं गाइस ये लोग, और बस अब कैसे ना कैसे करके ये मेरे को मारना चाहते हैं। मेरी नाक भी इन्होंने काट दी है बिल्कुल अच्छी तरीके से, पता नहीं बाइट कर दिया या फिर गोली लगी है क्या हुआ है, बहुत ही तगड़ी तरीके से ब्लीडिंग हो रही है। अब कैसे ना कैसे करके मैंने चकमा देके उन्हें पीछे तो किया, लेकिन गाइस ये मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में गाइस क्या होना चाहिए आप लोग ज़रूर से मुझे कमेंट करके बताना नीचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन लव यू ऑल एंड बाय।